हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में। इसमें हम इवेलुएट करने वाले हैं जीरोधा का जो कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर है उसको। हम कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न में जो पैटर्न बनेंगे उसके आधार पर ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि वो जो हमें पैटर्न मिलता है, इंडिकेशन मिलता है बाय या सेल का, उससे हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं, यानी कि वो काम करता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने जीरोधा में लॉग इन कर लिया है और मैंने रैंडमली कुछ यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिए है कुछ शेयर्स के। और हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चार्ट में जाके देखेंगे, और जो किसी भी चार्ट में अगर हमें एक नया पैटर्न बनता हुआ दिखेगा बाय का होगा तो हम एक बाय कॉल लेंगे, मतलब बाय का एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। और अगर हमें एक सेल का इंडिकेटर मिलता है, यानी कि चार्ट पैटर्न जो बियरिस वाला फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, तो हम एक सेल का एक ऑर्डर लेंगे और देखेंगे कि उससे हम प्रॉफिट बना पाते हैं कि नहीं। पे मैंने HCL टेक का ओपन किया हुआ है, यहाँ पे एनगल्फिंग और दूसरा थ्री आउटसाइड जो है, दो बुलिस पैटर्न बने हुए हैं। और यहाँ पर क्या है एक्सपेक्टेड कि यहाँ से प्राइस इसका ऊपर जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे बाय ऑर्डर लेके प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से हमें ऊपर जाना चाहिए और प्रॉफिट बुक होना चाहिए यहाँ पे। और दूसरे भी देख लेते हैं, क्या हमें न्यू कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ एक बियरिश हरामी बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से प्राइस नीचे जाने का एक्सपेक्टेशन था, तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे, लेकिन हम लोग अब लेट हो चुके हैं तो इसमें एंटर नहीं करेंगे। इसमें भी यहाँ एक बियरिश पैटर्न बना था और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने बियरिश बोला लेकिन यहाँ से ये मार्केट अप गया, तो ये तो फॉल्स दिख रहा है। इसी तरह से एक और देखते हैं, यहाँ पे एक बियरिश हरामी पैटर्न बना हुआ दिखा था और इसके बाद प्राइस नीचे का एक्सपेक्टेशन था, नीचे गया है, लेकिन हम लेट हो चुके हैं ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, तो इसमें एंटर नहीं करेंगे। इसी तरह से TCS में भी एक बियरिश एनगल्फिंग का बना था, मिला था, लेकिन हम मिस कर गए। अभी यहाँ पर ट्रेड में एंटर करना मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसमें भी एंटर नहीं करेंगे। इसी तरह से एक्सिस बैंक का भी एक हमें यहाँ पर पैटर्न मिला था, लेकिन ये ट्रेड हम एंटर कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं गया है, लेकिन थोड़ा हम नया पैटर्न देखते हैं जो अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ रहेगा उसमें एंटर करेंगे। यहाँ पे ये जो बोल रहा है थ्री आउटसाइड बियरिश कैंडल बोल रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और अभी जस्ट आधा घंटा पहले बना है, तो यहाँ पर हम अपना बियरिश का ऑर्डर प्लान कर सकते हैं। तो एक और कैंडल देख लेते हैं और उसके बाद इसमें हम एंटर करेंगे। अगर ये थ्री आउटसाइड बेयरिश पैटर्न बना है, मतलब यहाँ से प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि नीचे की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाने का वेट करते हैं, और जाता हुआ देखा नीचे तो हम यहाँ पे एक सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और जब भी प्राइस काफ़ी नीचे चला जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके वहाँ पर देखेंगे कि ये पैटर्न सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे हमारा दो चार्ट में मुझे लग रहा है एंट्री ले सकते हैं हम लोग। एक तो एक जो ये हमारा HCL टेक है, यहाँ पे हमें एक बुलिश पैटर्न बना हुआ दिखाई दिया है एनगल्फिंग, और फिर उसके बाद थ्री आउटसाइड क्विकली, और अभी भी प्राइस उसके पास में ही है, मतलब यहाँ से इसने इंडिकेशन दिया है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और ITC में क्या है, यहाँ पे इसने एक बियरिश पैटर्न दिया था कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये उल्टा तरफ जा रहा है अभी। तो देखते हैं, अगर ये प्राइस जो 250 200 रुपये 50 पैसे का है, ये अगर इस लेवल पे आ जाए, यहाँ पे अगर ये इस लेवल पे आ जाता है तो हम बाय कर लेंगे, इस लेवल पे सॉरी सेल कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिला है, पैटर्न जो है बियरिश या फिर डाउन ट्रेंड का पैटर्न मिला है कि यहाँ से प्राइस एक्सपेक्टेड है कि नीचे जाएगा, लेकिन अभी ये थोड़ा उस लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही नीचे की तरफ आना शुरू होगा हम सेल कर देंगे इसको, या फिर जो HCL टेक में हमें पैटर्न मिला था यहाँ बाय का, या फिर बुलिस पैटर्न मिला था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए एक्सपेक्टेशन है इस पैटर्न से कि प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये अभी नीचे आ रहा है। तो थोड़ा इसमें हम थोड़ा वेट करेंगे कि प्राइस इस ये जो ग्रीन पैटर्न दिख रहा है ना, इसके ऊपर जब रहेगा या जाना शुरू हो जाएगा तब हम बाय कर लेंगे। तो इसमें भी एक हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके रख देते हैं इस प्राइस पे, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कौन सा ट्रेड हमें अच्छा रहेगा हमारे लिए प्रॉफिट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है HCL टेक में हम लोग बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाने का वेट करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि HCL टेक ये इसको फॉलो करेगा, यहाँ जो बुलिश पैटर्न मिला है उस पर ये फॉलो करेगा, तो हम यहाँ पे बाय का प्लेस कर देते हैं ऑर्डर। किस प्राइस पे करना है अभी यहाँ पर ही है, तो इसी में कर देते हैं हम लोग।
ऐसा लग रहा है ये ऊपर जाएगा, तो 7:10:45 में हम लोग बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अभी हम ऑर्डर में जाके देखते हैं कि ऑर्डर में क्या दिखा रहा है हमारा। प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया है और ये एग्जीक्यूट हो गया, तो हमारा पोजीशन में दिखना चाहिए। तो अभी हमारा पोजीशन में 50 शेयर्स HCL टेक का दिख रहा है, 710 रुपये 45 पैसे के रेट से लिया हुआ है। और अभी देखते हैं कि ये जो है इस पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं, इस पैटर्न से हमें जो इंडिकेशन मिला था बाय का वो सही होता है कि नहीं, हम उसको इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ITC में एक नया पैटर्न मिला हुआ दिख रहा है, स्पिनिंग टॉप का है और ये रेड दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे आपको ये सेल का एक इंडिकेशन दे रहा है। तो हम चाहे तो इसको सेल का एक ऑर्डर यहाँ पर भी प्लेस करके देख लेते हैं कितने क्वांटिटी का देना है। यहाँ पे सेल कर देते दोस्त, क्योंकि हमें 3 बार यहाँ पे पैटर्न मिला है सेल का ही है, तो हम लोग इसको सेल कर देते हैं। कितना पे करना है हम लोग इस लाइन पे छोड़ देते हैं, 225 में हम लोग सेल कर देते हैं इसको। तो अभी ये सेल हो चुका था हमारा, अब हम जाके देखते हैं पोजीशन में कि कैसा चल रहा है हमारा। हम लोगों ने ITC को 200 शेयर सेल किया था, यहाँ पे 80 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है, और HCL टेक को वहाँ पे बाय किया था 50 क्वान्टिटीज़, तो वहाँ पे 20 लॉस दिखा रहा है। तो अभी थोड़ा हम वेट करेंगे, देखते हैं कि किस में हमें प्रॉफिट होता है और उसके अनुसार फिर देखते हैं कि कैसा जाता है। ये हमारा जो इंडिकेशन दे मिल रहा है पैटर्न के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से, वो कैसा रहता है अल्टीमेटली। तो हमें यहाँ पे हम लोगों ने HCL टेक को बाय किया है, तो हमें इसके ऊपर कहीं भी सेल करना है ताकि हमें प्रॉफिट हो। उसी तरह से ITC को हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया है इस वाले प्राइस पे, तो नीचे कहीं हमें बाय करना है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि कैसा जाता है ये ट्रेड। ITC का सही जा रहा है दोस्त, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये नीचे जा रहा है लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। थोड़ा देखते हैं कैसा दूसरा चार्ट पैटर्न नहीं बनना चाहिए। दूसरा कैंडल अभी ग्रीन शुरू तो हो रहा है, लेकिन ये अभी देखो बैक टू बैक जो है ना, ये चार हमारा यहाँ पे एक एक ही जगह पे क्लोजिंग आ रही है यहाँ पे इस लाइन पे। तो जिधर भी जाएगा बहुत ही फराटेदार से जाने वाला है, या तो प्रॉफिट या लॉस की तरफ। लेकिन इस चार्ट के अनुसार हमें कैसा इंडिकेशन मिला है बुलिश होने का, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से। थोड़ा इम्प्रूवमेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये -20 था वो -5 हो रहा है, तो थोड़ा और हम वेट करते हैं। यहाँ आपको देखते रहना पड़ेगा कि जो हमारा ये बुलिश चार्ट पैटर्न था, ये पैटर्न अगर चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, अगर दूसरा पैटर्न बियरिश का बन जाता है, तो हम स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे और हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये हमारा जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला जो दिखा वो सही काम नहीं किया। उसी तरह से ITC का अभी तो ठीक है, डाउन ट्रेंड जा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे बियरिश पैटर्न का एक मिला था, लेकिन ये अगर इससे ऊपर चला जाता है तो हम इसको स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि ये पैटर्न सही नहीं था। अभी देखते हैं, अभी तो तुरंत, तब तक और देखते हैं कुछ और हमें मिल रहा है क्या ट्रेड। यहाँ पे बेयरिश का था, अभी भी बेयरिश सेंटिमेंट है लेकिन थोड़ा ये ऊपर जा रहा है। अभी रिसेंटली अगर हमें कोई नया पैटर्न मिलता है तो उसमें हम एंटर कर जाएंगे। ये बहुत पहले मिल चुका था, यहाँ तक ये रैली दे चुका है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत पहले बन चुका था, अभी नहीं बना है। ठीक है, कोई और भी हम लोग तब तक देखते हैं दूसरे शेयर्स। सपोज यहाँ पे LNT का देखते हैं, यहाँ पर भी बेयरिश मिला है लेकिन बहुत सारे कैंडल्स वहाँ ऑलरेडी रन हो चुके हैं। हमें रिसेंट चाहिए, जो पैटर्न अभी तुरंत बना हो उसमें हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कोटक बैंक का ओपन किया है,
और यहाँ पर फ्रेंड्स ट्राई कर सकते हैं हम लोग, बैक टू बैक हमें दो बियरिस पैटर्न मिले थे यहाँ पे, और अभी ज़्यादा दूसरे कैंडल्स बने नहीं हैं, दो ही कैंडल बने हैं, लेकिन ये जो कैंडल है ये थोड़ा ग्रीन बन रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, इस पैटर्न के अगेंस्ट। ये हमें बियरिस कैंडल मिला था कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जाएगा, लेकिन अभी एक्चुअली प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन अभी भी ये कैंडल जो है, जो पैटर्न है, उसके हाफ से ऊपर नहीं गया है, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ एक्चुअली। एक बार इसका डेली हम लोग देख लेते हैं कि इसका सेंटिमेंट कैसा है। डेली चार्ट पे ये बुलिश है, और अभी 15 मिनट के कैंडल पे देखोगे आप तो ये बेयरिश दिखा रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो इस पर मैं नहीं जाऊँगा, कोई और देखता हूँ। सपोज जी, यहाँ पे जी लिमिटेड का शेयर है, इसको भी ओपन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे हमें बेयरिश मिले हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं गया है, लेकिन इसका एक दिन का हम लोग देख लेते हैं कि सेंटिमेंट कैसा है। एक दिन में ये एनगल्फिंग मिला है, कौन सा है, बेयरिश वाला, और अभी 3 दिन से वो बुलिश हो रहा है, तो ये यहाँ तो सही नहीं हुआ था, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, इसको भी छोड़ देता हूँ। थोड़ा पोजीशन अपना देख लेते हैं कैसा दिख रहा है वहाँ पे। ये HCL टेक हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, और ITC अभी भी हमारे फेवर में है, ये टोटली अगेंस्ट में जा रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैसा। दूसरा पैटर्न अभी तक बना नहीं है, लेकिन हम कहाँ एग्जिट कर जाएंगे, जो यहाँ पे पैटर्न बना है ना, इस पॉइंट पे एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था, HCL टेक को बाय किया था बाय सिग्नल देख के, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, और ITC अभी भी थोड़ा हमारे फेवर में जाके एक जगह रुका हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो हम एक बार देखते हैं चार्ट में जाके कैसा था। HCL टेक का ये हमारा बाय सिग्नल यहाँ पे मिला था, तो हम लोगों ने इसको बाय किया था यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, और अभी ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो हम इसको और ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग यहाँ तक इसका वेट करेंगे कि जब भी इसके बेस लाइन को यहाँ से ये अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है, इससे नीचे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कहीं एग्जिट कर जाएंगे और अपना लॉस जो है उसको बुक कर लेंगे। और उसी तरह से ITC में हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस, हमें एक बियरिस का मिला था यहाँ पे पैटर्न, तो ये प्राइस एक्सपेक्टेड है कि नीचे जाएगा, तो यहाँ से जितना नीचे जाएगा हम देखते जाएंगे और उसको बुक कर लेंगे। और अगर ये हमारे अगेंस्ट चला गया यहाँ पे जहाँ से हमें एंट्री मिला था उसके ऊपर चला जाता है, तो हम वहाँ पे इसमें भी स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाएंगे। देखते हैं ये पैटर्न काम करता है कि नहीं, यूजफुल होता है कि नहीं ट्रेडिंग के लिए, सिग्नल्स एक्चुअली सही देता है कि नहीं। ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन क्या करना है फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखोगे तो ये सब जगह पे एक सपोर्ट का काम करता है एक्चुअली। जब भी यहाँ पे आता है उसके बाद बाउंस बैक हुआ है, तो एक छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं हम लोग इस पे पोजिशन में, देखते हैं हमारा कैसा चल रहा है। अभी HCL टेक फ्रेंड वो अपने हमारे डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो वहाँ 100-125 रुपये का लॉस दिख रहा था वो एक्चुअली अभी कन्वर्ट हो गया है -47 में, तो देखते हैं कि हमारे डायरेक्शन में जाता है कि नहीं। यानी कि जो चार्ट पैटर्न वहाँ पे इंडिकेशन मिला था वो पैटर्न सही था कि नहीं था, वो एक्चुअली उसको यूज़ करके हम लोग अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए या नहीं। तो अभी ये ITC जो हमारा है वो तो सही लग रहा है, लेकिन जो ये HCL टेक है वो है कि नहीं सही। अभी एक हम लोगों ने एक और ऑर्डर प्लेस किया था विप्रो का बाय का, वो हमारा हिट हो गया है, और देखते हैं वो कैसा जाता है। विप्रो का हम लोगों ने 282.95 पे बाय लिया था, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखते हैं वो कैसा हमारे हमारे अगेंस्ट जाता है या फिर हमारे फेवर में जाता है या नहीं, इसको फॉलो करते हैं। ये रिटर्न हो रहा है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है इससे हम लोग ITC से एग्जिट कर जाते हैं और HCL टेक को थोड़ा सा वेट करते हैं। तो हम ITC में जाएंगे और यहाँ पे हमारा ये रिटर्न कर रहा है एक्चुअली, तो हम इसको यहाँ से अपना पोजीशन से हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। पोजीशन में हमें 85 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, इसको हम एग्जिट कर जाते हैं। 100 क्वांटिटी हम लोगों ने सेल किया था, उसको मार्केट प्राइस पे बाय करके एग्जिट हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट अपना 85 रुपीज़ का बुक हो गया है, और जो हम लोगों ने विप्रो को ब्लाइंडली बाय कर लिया था वो भी हमारे डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं दिख रहा है,
तो हम लोग इसको भी एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पे विप्रो भी मैंने एग्जिट कर दिया है, और अभी जो हमें इंडिकेशन मिला था एचसीएल टेक में बाय का, तो उसको सिर्फ फॉलो करता हूँ। तो अभी भी ये हमारे फेवर में ही है, ज़्यादा लॉस नहीं दे रहा है, और अगर ये पैटर्न का बाउंड्री से ये बाहर जाता है तो हम इसको एग्जिट कर जाएंगे। थोड़ा वेट करते हैं हम लोग इस पर। ये हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे जाने पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसके ऊपर जब जाना शुरू हो जाएगा तो प्रॉफिट की तरफ जाएगा हमारा ट्रेड। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। पोजीशन से हम लोग फॉलो करते हैं उसको। ये वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या बोलना है, एग्जिट करके मैं निकल जाऊं या थोड़ा वेट करना है आप लोग को? एचसीएल टेक प्रॉमिसिंग लग रहा है फ्रेंड्स, ये लग रहा है ये पैटर्न को फॉलो करेगा और इसके ऊपर जाएगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ये हमारा जो नेगेटिव में था वो अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, मतलब हमारे डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया है। तो थोड़ा इसको हम लोग और फॉलो करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे हम लोग, इसको 5 मिनट और वेट करेंगे हम लोग। अगर हमें 1% का भी मिल जाता है प्रॉफिट तो हम लेके निकल जाएंगे। तब तक थोड़ा दूसरे ट्रेड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा हमें ट्रेड मिलता हुआ दिख रहा है, हैमर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है जीएम ब्रिवरेज में। तो हम लोग इसको बाय के लिए एंट्री कर जाते हैं। यहाँ पे अगर बाय पे जाओगे तो इस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे ही हम लोग एंटर कर जाते हैं। एचसीएल टेक फ्रेंड हमारा जो हमारे डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन वो अभी अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है, तो मैं इसको अभी एग्जिट कर जाता हूँ। ये लग नहीं रहा है हमारे डायरेक्शन में जाएगा, ये हमारे अगेंस्ट में जाता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे जो पैटर्न हमें मिला था बेयरिश पैटर्न सॉरी बुलिश पैटर्न का, वो हमें सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये इस रेंज में बहुत देर से घूम रहा है एक तो पहला बात, और दूसरी बात है कि टाइम बहुत हमारा कंज्यूम हो रहा है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस ऑर्डर से एग्जिट हो जाते हैं। और कंक्लूजन तो नहीं निकल पा रहा है दोस्तों कि एक में हमें प्रॉफिट हुआ इस पैटर्न को फॉलो करके, और दूसरे में हम लोग देख रहे हैं कि वो हमारे अगेंस्ट भी जा रहा है। लेकिन अभी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी दूसरा पैटर्न बना नहीं है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं कि कैसा जाता है ये हमारे फेवर में या फिर नहीं। मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया फ्रेंड्स, उसको फॉलो नहीं कर सकते हम लोग। जो दो ट्रेड हम लोगों ने लिया है पहले उसको हम लोग वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि जो पैटर्न बना है उससे हम ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे अगेंस्ट ही जा रहा है, तो इसको मैं अभी फॉलो नहीं कर पाऊंगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको एग्जिट कर जाता हूँ। तो अभी देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि हम लोगों ने दो ट्रेड लिए, एक ITC में हमें सेल का एक इंडिकेशन मिला था और हम लोगों ने उस पर सेल किया था और थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। उसी तरह से हमारा जो दूसरा था HCL Tech में हमें बाय का सिग्नल मिला था, लेकिन वो एक्चुअली बहुत देर से
घूम रहा है और हमें दूसरा एक इंडिकेशन मिल नहीं रहा है कि हम उससे प्रॉफिट बुक कर सके, तो इसलिए मैंने उसको भी एग्जिट कर दिया। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है फ्रेंड्स कि सिर्फ आप चार्ट को देखकर या फिर पैटर्न को देखकर ट्रेड नहीं ले सकते हो, आपको अपना स्टडी या फिर अपना जो अनुभव है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करना पड़ेगा, अपना IQ यूज़ करना पड़ेगा और उसको यूज़ करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा ताकि आप कम समय में प्रॉफिट बना सको। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।